सब्सक्राइब करें टेक्निकल गुरुकुल चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुकुल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक प्रोफेशनल इंट्रो तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले एक एप्लीकेशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है काइन मास्टर, जिसके ठीक है फ्रेंड, इसको हम ओपन करेंगे। MPT प्रोजेक्ट में जाना है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओपन करेंगे सर, मीडिया ब्राउज़र में जाना है आपको। उसके बाद मैंने एक वीडियो जो है एक्सपोर्ट करके रखा हुआ है, जो मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और इसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओपन करेंगे, इसे ओपन करने के बाद हम देखेंगे इसका क्या इंटरफेस है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें इसी पे काम करना है अभी। पूरे वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में आने हमें लेयर्स में जाना है और वहाँ पे आपको इमेजेस में जाना है। यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिख्स रखे हैं, 3D टेक्स्ट हैं, और इसका भी मैं पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपना चैनल का लोगो है जो, वो लोगो आप इसमें डाल देंगे। लोगो को आप इसको एडजस्ट करना है। बिल्कुल इसकी सही टाइमिंग होनी चाहिए। इसको ये थोड़ा बड़ा हो गया है, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ये हो गया है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। थोड़ा सा छोटा हो चुका है, बिल्कुल बस ठीक है। इसको एनिमेशन दे देंगे, इनर एनिमेशन पॉप का दे देते हैं, आउटर एनिमेशन दे देते हैं इसमें। यहाँ तक ठीक है, थोड़ा सा पीछे लाना है, आउटर एनिमेशन दे देना है इसको। स्लाइड डाउन का ठीक है, देखिए हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट डालना है हमें। पहले इसको कट कर लेंगे वीडियो को थोड़ा सा। ये यहाँ से गया, बस यहाँ पे हमें टेक्स्ट ऐड करना है। अब इमेजेस में जाके वो टेक्स्ट मिलेगा आपको। ये फ्रेंड्स, ये जैसे आप 3D टेक्स्ट देख सकते हैं, इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूँ। आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप भी 3D टेक्स्ट लिख सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको एनिमेशन देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, एक बात बताना चाहूँगा, टाइमिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए, तभी आपकी वीडियो अच्छी लगेगी। बस ठीक है, यहाँ तक हो चुका है ये। इसके बाद इसको ट्रिम कर लेंगे। ट्रिम कर लिया, ठीक है। इसको भी एनिमेशन दे देंगे। एनिमेशन हो चुका है और ये देख सकते हैं आप, ये तैयार हो चुका है यहाँ तक, ठीक है। इसको थोड़ा सा ट्रिम कर लेंगे हम। फ्रेंड्स, बिल्कुल टाइमिंग का आपको ध्यान रखना है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और टेक्स्ट ऐड करना है हमें, जैसे ये लो लाइट जा रही है ना साइड साइड, यहाँ पे आपको अभी टाइमिंग, यहाँ पे आपको फिर से जाना है इमेजेस में। और यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, जैसे टेक्स्ट देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये डाल देना है आपको। ये लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में इसका, ऐप का। तो टाइमिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए इसकी, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, काफ़ी बड़ा हो गया ये। और इसको यहाँ से कट भी करना है अभी। पहले थोड़ा सा आप इसको करेंगे छोटा, क्लिक किया, थोड़ा सा छोटा किया, और छोटा, और छोटा, बस ठीक है। इसको भी एनिमेशंस एडजस्ट कर लेंगे पहले,
इनर एनिमेशन दे देना है इसको भी। इनर एनिमेशन दे दिया हमने, ठीक है डन। इसको पहले कट करेंगे यहाँ से, यहाँ से इसको कट कर लेंगे, टिक कर दिया कट। अब इसको एनिमेशन दे देंगे, इनर एनिमेशन दे दीजिए, पॉप का एनिमेशन दे दिए, ठीक है फ्रेंड्स, और 0.5 की टाइमिंग कर दीजिए। आउटर एनिमेशन दे दीजिए इसको डाइवर्ज का, बिकॉज ये जो जा रहा है, जो लेयर जा रही है, ये मतलब ये चलेगा कि लेयर साथ लेके जा रही है इसको, तो डाइवर्ज का चलेगा इसमें। और यहाँ पे भी हमें एक टेक्स्ट ऐड करना है, टेक्स्ट ऐड कर यहाँ पे हम ऐड करेंगे। इमेजेस में जाएंगे दोबारा से, हम इमेजेस में जाना है और वहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि दोबारा से पिक्सलैब नाम है ऐप का, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, अब उसकी चिंता मत करिए, मैं सभी ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। काइन मास्टर का भी मिल जाएगा और पिक्सलैब का भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक। ये जैसे कि देखिए मैंने उसको ऐड कर लिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, काफ़ी छोटा है ये। ऐड करने के बाद देख सकते हैं जैसे ये हो चुका है तैयार, तो पॉपअप का एनिमेशन दे दीजिए इसको। और यहाँ से इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं पहले, टाइमिंग 0.5 की, और इसको भी एनिमेशन दे देंगे। पहले कट कर लेंगे इसको थोड़ा सा, बस ठीक है, ये लगभग लगभग हो चुका है, बस ठीक है हो चुका है ये। हो गया, टिक कर लेंगे, क्लिक किया, ट्रिम किया, ट्रिम कर देंगे इसको साइड से, कट कर लेंगे, टिक किया। इनर और आउटर एनिमेशन दे दीजिए इसको, पॉप का एनिमेशन ठीक रहेगा इसके लिए, पर टाइमिंग करने लिए पहले हमें 0.5 की। यह जैसे कि आप देख सकते हैं लगभग लगभग हमारी वीडियो तैयार हो चुकी है। लगभग लगभग फ्रेंड्स वीडियो तैयार हो चुकी है जैसा कि आप देख सकते हैं। सबकी टाइमिंग फ्रेंड्स हमें 0.5 की कर देनी है। पॉप का एनिमेशन किया, सबको 0.5 की टाइमिंग कर दी, और ये लगभग लगभग हो चुका है। एक बार दोबारा प्ले करके मैं आपको दिखा दूंगा, एनिमेशन सबकी सही होनी चाहिए और 0.5 की टाइमिंग होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो जो है वो काफ़ी तेज़ है, इस वजह से 0.5 की टाइमिंग कर रहा हूँ मैं। सबकी टाइमिंग हमने 0.5 की कर दी है, इसको बाद एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ मैं। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो तैयार हो चुकी है अभी, है तो थोड़ा सा हमें आउटर एनिमेशन इसमें हमें नहीं दिया है, इसको आउटर एनिमेशन दे देते हैं, ठीक। स्केल अप का एनिमेशन दे देते हैं हम इसको। एनिमेशन देने के बाद हो चुका है लगभग लगभग तैयार वीडियो, जैसे कि आप देख सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो। उसके बाद हम इसको सेव कर लेंगे, एक्सपोर्ट कर लीजिए, यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो फ्रेंड्स इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करना ज़रूर ना भूलें। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद, वंदे मातरम।